कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारे जो सिंह राशि वाले हैं उनका ये वीडियो लव रीडिंग। खाली ये लव रीडिंग नहीं है, इसमें प्यार और धोखा टाइटल तो है, तो हम लव रीडिंग के बारे में देखते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें कैरियर आपका जो फ्यूचर में इस महीने में हो रहा है, आपकी सेहत, उसके साथ साथ आपका बिजनेस अगर है, कोई लीगल मैटर है, जॉब के मैटर में है, सरकारी जॉब है, हर विषय में क्वेश्चन करती हूँ। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो भी लास्ट में नंबर दिया जाएगा, नोट कर सकते हैं। मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ और सबसे पहले देखूँगी कि हमारे जो सिंह राशि वाले हैं उनकी फरवरी महीने में क्या एनर्जी रहेगी। अगर मैं आज से आपका देख रही हूँ तो अगर 8 तारीख से देखा जाएगा तो 8 से लेके आप 8 मार्च तक की एनर्जी यहाँ पर एक महीने की देख सकते हैं। और विश यू वैलेंटाइन वीक अभी शुरू हो चुका है, आप में से कुछ लोग तो मना ही रहे होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर लव प्यार है कि धोखा है दोनों देखता हूँ। सिंह राशि वालों की एनर्जी स्प्रिट गाइड एंजल्स फरवरी महीने में कैसी रहे, सिंह राशि वालों की एनर्जी एक महीने में कैसी रहेगी, सिंह राशि वालों की एनर्जी से एक महीने में कैसी रहेगी, सिंह राशि वालों की एनर्जी से एक महीने में कैसी रहेगी, सिंह राशि वालों की एनर्जी से एक महीने में कैसी रहेगी। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो ये दिखाता है कि आपका समय चक्र आपके पक्ष में घुमा हुआ है। इस समय कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये भी है कि बहुत सारी बातों में आपने ईश्वर पर छोड़ दिया है, समय पर छोड़ दिया है कि जो भी होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन थोड़ा इमोशनली आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ कुछ और है एक तरफ कुछ और है, तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे क्या किया जाए। थोड़ी सी फरवरी महीने में असमंजस की स्थिति आपके जीवन में रहेगी, और मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक सोलमेट एनर्जी महसूस कर रहे हैं। आप शायद किसी को प्यार करते हैं दिल से, तो देखिए सोलमेट खाली प्यार मोहब्बत नहीं होता, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, आप पति पत्नी हो सकते हैं, आप प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, या आप कोई और हो जिसे अपना सोलमेट मानते हैं, कोई मतलब भाई बहन में भी बहुत अच्छा घनिष्ठ प्यार होता है तो उसे मानते हैं, दोस्तों में होता है या कोई भाई भाई में होता, ऐसा रिलेशनशिप दिल से और सोल से कनेक्ट हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों आपके आसपास या आपकी ज़िंदगी में कहीं पर किसी की शादी का मामला ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो लोग कप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है, यहाँ शादी दिखाई दे रहा है, प्यार दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि फरवरी महीने में आप जो आप उल्टे लटके थे, बहुत सारी परेशानियों में थे, प्रॉब्लम्स में थे, ये फरवरी महीना जाते जाते आप उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, हैंगमैन एनर्जी, मतलब कोई बोझ आपके सर से उतरेगा या कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप स्टक एनर्जी से बाहर जाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो ये पूरे महीने में आप बहुत मजबूती के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर इतनी करेज है, इतनी पॉजिटिविटी है कि देखिए शेर के मुंह में हाथ लगा दिया और शेर दुम दबा कर खड़ा है, तो आप जो चाहें इस महीने में कर सकते हैं। और आपका जो रिश्ता है वहाँ पर भी आप इमोशनली कंफ्यूज तो हैं, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और मजबूती महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा द इम्प्रेस कार्ड आया है, तो दिखाता है कि आप शायद अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्टेड हैं, उनसे उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनकी केयरिंग जो नेचर है, या आपकी मदर या आपकी पत्नी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप मदर से प्यार करते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, तो ये एक मदर नेचर यहाँ पर दिखाई दे रही है, केयरिंग पर्सनालिटी है, तो आप उनकी केयर करना चाहते हैं, और आपके चारों तरफ भी मुझे मतलब ऐसे ही पूरा परिवार या सबका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, लोग आपकी केयर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लोगों का सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी आपके चारों तरफ सुख सुविधा, पैसा, प्रेम, सब सारी चीज़ें मुझे अवेलेबल दिखाई दे रही हैं, या फिर आप किसी अच्छे पद पर आसीन हो गए हैं जहाँ पर आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके जीवन में एक रीबर्थ का कार्ड आया है,
ऐसा कुछ होगा फरवरी महीने में, ये जो मार्च 7 मार्च तक के बीच में, ठीक है, जिसमें ये दिखाई देता है कि एक फ्रेश एनर्जी के साथ एकदम नई शुरुआत होगी। एस ऑफ वॉन्ट्स, डिवाइन इसमें आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक आप बहुत टाइम से अगर सोच रहे थे कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई दिक्कतें हैं, उससे कैसे निकला जाए, तो उससे निकल के, क्योंकि देखिए हैंगमैन एनर्जी भी यही दिखाती है कि आप मुसीबतों प्रॉब्लम से निकल गए हैं, आपने अगर कोई जिम्मेदारी थी उसको पूरा कर लिया और आप एक नई शुरुआत कर दी है अपनी ज़िंदगी की, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं, पर ये जैसा मैंने कहा कि आप इमोशनली यहाँ पर कंफ्यूज हैं, आपने सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया है, किसी की शादी दिखाई दे रही है, एक सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आपको भी कोई ऐसा प्यार करने वाला है, आप किसी को प्यार करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक सोलमेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या, देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है फरवरी महीने में, मतलब 7 मार्च तक आपके लिए, पूरे एक महीने में आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी पूरे महीने में कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी पूरे महीने में कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी पूरे महीने में कैसी रहेगी, आपकी एनर्जी पूरे महीने में कैसी रहेगी। तो देखिए कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत, वैसे आप दोनों में आपस में मुझे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, पर आसपास कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत थोड़ा सा डिप्रेस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मानसिक तौर पर तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी ने उनको कुछ कहा है आपके परिवार में या वहाँ, या कुछ भी तो ऐसा हुआ है, या अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, तो किसी आसपास के लोगों ने कुछ ताने मारे हैं, कुछ कहा है, या आप दोनों में ही कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपने कुछ बोल दिया हो तो उन्हें बातें चुभ रही हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मानसिक तौर पर कंटिन्यूटी उसके बारे में सोच रहे हैं, और वो चाहते हैं, अगर आप एक परिवार में बंधे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, तो वो चाहते हैं कि इस नैया को अपने परिवार के साथ पार लगा दिया जाए अच्छे तरीके से। और अगर लव रिलेशनशिप या कुछ ऐसा मामला है तो वहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर आपको संभाल कर अपनी ज़िंदगी में ही रखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखती है कि और कुछ बातें हैं जो उन्होंने अपने दिल में छुपाई हुई हैं, शायद आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके साथ कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो उनके जीवन में कोई नए काम की शुरुआत या पॉजिटिविटी की शुरुआत है, तो एक अच्छा सा ऑफ़र आपको देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई अच्छा ऑफ़र, अगर प्यार का मामला है कुछ है तो वहाँ पर एक ऑफ़र मिल सकता है आपको, क्योंकि जैसा वहाँ सोलमेट कार्ड आया था, यहाँ पर एस ऑफ कप आया है, एक अनकंडीशनल लव है, डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है, आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है जहाँ पर कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा मेडिटेशन किया कीजिए, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, डिवाइनली कनेक्टेड रहिए अपने पार्टनर से, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप दिखाता है कि एक कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक अनकंडीशनल लव की जर्नी है, ठीक है। तो डिवाइन का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, मन में कोई धोखा, जैसा कि मेरा टाइटल है प्यार या धोखा, तो कहीं पर भी आपके पार्टनर के मन में धोखा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये दिखाती है कि इमोशन उनके अंदर बहुत भरा हुआ है आपके लिए, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा दबा कर बैठेंगे, थोड़ा सा कम बोलेंगे, लेकिन अंदर से ये है कि नहीं, मैं इस रिश्ते को नहीं खोना चाहता, नहीं खोनी चाहती, बिल्कुल नहीं, इसको सेफ रखूँगा, तो उस रिश्ते को संभाल कर लेकर चलना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, वो अभी अपने काम काज या कुछ ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें लगे हुए, अपने पैसे बनाने में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं समय। तो आपकी लव लाइफ में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, जैसा मैं देखती हूँ और लोगों का, तो धोखा तो बिल्कुल ही नहीं है, प्यार ही है यहाँ पर, कुछ डिफ़िकल्टीज बीच में है तो उसकी कोई बात नहीं। आप दोनों का आउटकम क्या रहने वाला है, आप दोनों का आउटकम क्या रहने वाला है, आउटकम क्या रहने वाला है, तो देखिए यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली कार्ड, ज़्यादातर सिंह राशि वाले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, प्यार या लव का मैटर तो अलग है, पर आप ज़्यादातर मुझे फैमिली में बंधे हुए दिखाई दें, तो परिवार के साथ एक, हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हो जाए, ठीक है, कोई पारिवारिक जिम्मेदारी आपकी पूरी हो जाए, कुछ अच्छा ऐसा आप कर रहे हो जहाँ पर आपको खुशी प्राप्त हो, पूरे परिवार के साथ खुशी प्राप्त हो,
फैमिली, बच्चे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत अच्छी एनर्जी है और आप दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों ही, परिवार को भी, रिलेशन को भी। यहाँ पर वो भी ऐसा कर रहे हैं, आप भी ऐसा कर रहे हैं। और अगर आप लोग अभी मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो हो सकता है कि वो अपने परिवार को और आपको मैनेज करके चल रहे हैं और आप भी सेम ऐसा ही करते दिखाई दे रहे हैं। और आप अपनी कैरियर में या किसी भी बात में थोड़ा सा इमोशन किनारे रख के आप दोनों ग्रोथ करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कैसे तरक्की की जाए, बढ़ा जाए। मनी मैटर के मामले में डिवाइन का आशीर्वाद आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने कहा, कोई बड़ा काम होगा, हैप्पीनेस होगी, तो कुछ ना कुछ आपके साथ फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक तक होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए अब देखते हैं वह कैरियर कैसा रहने वाला है। सिंह राशि में जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, आर्ट में है, मीडिया में है, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी? क्रिएटिव फील्ड में है, आर्ट मीडिया में है, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी? तो देखिए, यहाँ आपका कोई बहुत बड़ा काम होते हुए दिखाई दे रहा है, आप बहुत ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, कोई काम मिलेगा, ग्रोथ करेंगे और उसके बाद मतलब खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मंडप बना है, सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पर, फोर ऑफ वॉन्ड्स है, कोई खुशी पूरी होगी आपकी। ठीक है, आप बहुत दिन से सोच रहे थे वैसा कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, जो लोग सरकारी जॉब में हैं, प्रमोशन चाहते हैं या आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं। अभी आप ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि होता नहीं है पता लगाना, खबर करना, पेपर जो है फॉर्म भरना, तैयारी करना, ऐसी चीज़ें हैं। कुछ अच्छा आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं फरवरी से मार्च फर्स्ट वीक तक। तो आपके अंदर डिवाइन ने पूरी क्षमताएँ दी है, बहुत काबिलियत दी है, इतनी पॉजिटिविटी दी है, सब कुछ दिया है, मतलब आप एक मैजिशियन की एनर्जी है आपके अंदर। तो आप अगर सरकारी जॉब के लिए करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस समय में दिखाई दे रही है। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे हो सकता है, और कोई मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉफिट मिलते हुए आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर सोलमेट कार्ड है, तो जॉब का सोलमेट से कनेक्शन नहीं है, लेकिन मतलब कुछ अच्छा मिल रहा है आपको। ठीक है, देखिए, इतने सारे फ्लावर्स रखे और फ्लावर दिया जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चांस है आपके लिए। चलिए अब देखते हैं, जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। वाह, जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सिंह राशि में जो लोग बिजनेस की किसी फील्ड में, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए, जो लोग बिजनेसमैन हैं वहाँ पर कोई, आप बहुत कंपटीशन महसूस कर रहे हैं चारों तरफ से, इतना कंपटीशन है, आप आगे निकलना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और कोई वाद विवाद की सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। थोड़ा संभाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दमून की एनर्जी, हो सकता है कि आप उदास, निराश इस तरह से हो जाएं, क्योंकि कुछ लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम या कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे आप मानसिक तौर पर उदास दिखाई दे रहे हैं, दुखी हैं। मैं आपसे कहूँ कि मेरे चैनल पर जाइए, क्योंकि देखिए मून आपका कमज़ोर हो रहा है, तो आप जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन आप करिए कुछ दिन, तो ये मानसिक परेशानी आपकी इस महीने की दूर हो जाएगी। देखिए, फिर से मैजिशियन कार्ड आया है, तो डिवाइन कहते हैं कि आपके अंदर मैंने सारी पावर्स दी है, सारे टूल्स दिए हैं, एक अच्छी सोच दी है आपके अंदर, इक्वालिटी दी है, अपना आशीर्वाद दिया है, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, अपना काम कीजिए। कंपटीशन तो है, ये कोई कहता है तो उस बात को एक किनारे कर दीजिए, वाद विवाद में मत पड़िए, अपना काम करते हुए चलिए। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी भी जॉब या नौकरी में हैं, उनके लिए कैसी एनर्जी रहेगी? देखिए, यहाँ पर भी मून की एनर्जी आ गई। वैसे यहाँ पर विक्ट्री कार्ड आया, आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात है जो मानसिक तौर पर आपको परेशान कर रही है, तो आपको भी मून हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, डिवाइन का सपोर्ट है जॉब में, और जॉब में अगर आप बहुत टाइम से चाहते थे कि कुछ चेंज आए, कुछ प्रमोशन आए, तो वहाँ पर विक्ट्री कार्ड ये देखिए दिखाई दे रहा है, अच्छा करते हुए दिखाई।
डिवाइन का आशीर्वाद भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एस आपका कार्ड आया है, विक्ट्री कार्ड आया है। बस एक मानसिक तौर पर कोई परेशानी आपको परेशान कर रही है। चलिए देखते हैं कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और कोई लीगल मैटर आप दोनों का चल रहा है तो इस समय में कैसा रहेगा, समय में कैसा रहेगा। देखिए आप दोनों में कोई है, आप दो चीज़ों को बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये भी बैलेंस करके चले, वो भी बैलेंस करके चले। हो सकता है कि एक कोई किसी को आप प्यार करते हो, एक आपका परिवार हो, तो उसमें से रिश्ते को तोड़ने के बजाय आप बैलेंसिंग की एनर्जी में ज़्यादा हैं। अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ इमोशन को थोड़ा सा किनारे रखा है आपने, और प्रैक्टिकली सोचकर आप दो लोगों में डिवाइड करके चलना चाहते हैं कि ये बैलेंस कर लिया जाए, रिश्ते को तोड़ा ना जाए तो अच्छा है। लेकिन आप एक जोश में होश खोने वाला काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कोई अच्छा मित्र आपको राय देता है तो उनकी राय को ज़रूर सुनिए। कुछ भी शुरू कीजिए, कोई रिश्ते के बारे में कुछ अच्छा डिसीज़न लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर आपको डिसीज़न लेना, क्योंकि यहाँ पर फिर से आया है मून कार्ड। तो ये मून कार्ड बार बार आपके में आ रहा है तो मानसिक तौर पर कुछ परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। अब देखेंगे आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। तो देखिए सेहत में कोई भी दिक्कत नहीं है। पिछले टाइम में आपने कोई परेशानियाँ देखी हैं, कोई दिक्कत हुई है तो किसी चीज़ों का अंत हो गया। कोई डिप्रेशन थी, परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, उन चीज़ों का अंत हो गया। अब आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो ये टाइम सेहत के मामले में मुझे कुछ भी ज़्यादा खास गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है। आप बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं, कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में। चलिए डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनको हमें ध्यान में लाइए। डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। देखिए जैसा मैंने कहा ना कि कोई ना कोई शादी का मामला तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, चाहे आपके परिवार में आपकी शादी है, या आपके घर में किसी की शादी है, आपके संतान की शादी है, भाई बहन की शादी है, कुछ तो है जहाँ पर आप बहुत ज़िम्मेदारी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, बर्डन है, आपके कंधे झुके जा रहे हैं। लेकिन जजमेंट कार्ड है, ठीक है, जजमेंट कार्ड दिखाता है कि जो अंधेरे थे, प्रॉब्लम्स थी, उससे बाहर निकलेंगे और कोई खुशी मिलेगी, कुछ अच्छा बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी कोई विशेष पूरी हो सकती हैं जैसा मैंने कहा कि, और हो सकता है कि धन के मामले में भी कहीं से कोई प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आया है टेम्परेंस कार्ड, तो डिवाइन कह रहा है मैं आपका काम कर रहा हूँ, आपकी सब बड़ी चीज़ें बना रहा हूँ, पर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चाहे रिलेशनशिप हो या आपका मनी मैटर हो, काम हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, सब में आपको थोड़ा पेशेंस रख के चलना है तो आपको जजमेंट मिलेगा। जो आपने ये बोझ उठा रखा है वो सबसे आप मुक्ति पाएंगे। चलिए लास्ट में यस और नो का कार्ड निकालूंगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मन में मतलब अपने मन ही मन में डिवाइन से पूछ सकते हैं। तो देखिए इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। यहाँ पर किसी से रेजोनेट करेगा, किसी से नहीं करेगा, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों की एनर्जी सिंह राशि में होगी। ज़रूरी नहीं कि सबसे मैच ही होती हो यहाँ पर। तो आपसे कहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, कि पार्टनर के साथ क्या होगा, फैमिली में जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं ये क्या है, इतना मून कार्ड क्यों आ रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए, या शादी है तो किसी कुंडली मिलवानी है, अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुछ भी पर्सनल रीडिंग करानी है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप कीजिएगा 9323135111। तो चलिए वैलेंटाइन महीना है, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं, और ये वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो गया है तो आप सबके लिए ये साल अच्छा जाए, महीना अच्छा जाए, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। चलिए देर न करते हुए यस और नो का कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। मन में कोई सवाल ले लीजिए जिसका आंसर आपको यहाँ पर ना मिला हो। देखिए यहाँ पर यस का कार्ड आया है, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव अच्छा कार्ड है।
तो चलिए ये वीडियो तो कंप्लीट हुआ, लेकिन वार्षिक राशिफल भी देखते रहिए मेरे चैनल पर, और चीज़ें भी आप देखते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, वैलेंटाइन मनाते रहिए, बसंत ऋतु आ रही है, बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो जाने से पहले मेरे साथ कहिए, और जाने से पहले एक काम और करिए, मेरा चैनल अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। ऑल बटन को टच कीजिए, जिससे सारे वीडियो आपके सामने आते रहें। तो चलिए जाने से पहले कहते हैं, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।